प्रदेश महिला कांग्रेस ने छाबड़ा रेप पीड़िता और उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए घंटाघर से गांधी पार्क तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से बेटी को न्याय दिलाने के लिए विकल्प तलाशने का अनुरोध किया है। कैंडल मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल, विधायक अनुपमा रावत भी शामिल हुई। तो आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केवल उत्तराखंड की सभी बेटियां और बहनें पूरी मानवता और इंसानियत के साथ देश से पूछ रही हैं कि आखिर उत्तराखंड की बेटी का कोई तो हत्यारा है जिसने इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर वह कौन है और इस प्रकरण में सारी बेटियां अपने आप को आहत महसूस कर रही हैं, इसलिए हम लोग कैंडल मार्च निकालकर केदार बाबा से पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है वह हत्यारा जिसको देश फांसी पर चढ़ता हुआ देखेगा।